W1 मल्टीप्लाई बाय 0.25, OA 0.25 के इक्वल है, इज इक्वल टू W2 जो है वो 10 न्यूटन के इक्वल है, और WOB जो है वो 0.40 के मीटर के इक्वल है। तो W1 जो वैल्यू है उसको इसी तरफ इक्वेशन के दूसरी साइड पे रहने देंगे, और जो 0.25 है वो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो डेफिनेटली इक्वालिटी के दूसरी साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहा है। 10 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 0.4 मीटर ओवर 0.25 मीटर, और इसको आपस में मल्टीप्लिकेशन के बाद और डिवीजन के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो 16 न्यूटन होगा। तो इस तरह से जो वेट वन का जो ब्लॉक वेट वन है उसका, सॉरी जो ए पॉइंट के ऊपर लटका हुआ जो ब्लॉक है W1 से रिप्रेजेंट किया हुआ, उसका वेट होगा 16 न्यूटन। लेट्स डिस्कस दी सेकेंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या है? ये ऑब्जर्व किया गया है कि किसी भी सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है ये असल में मूव इस तरह से करता है कि जैसे उसका एक ख़ास वो पॉइंट जहाँ पर उस सिस्टम का सारा जो वेट है वो अमल कर रहा हो, मास उसका इंटायर मास जो है वो कन्फाइन किया हो एक ही पॉइंट के ऊपर, उसका एक पॉइंट के ऊपर उसका सारा मास महदूद कर दिया गया हो, कन्फाइन किया गया हो, और अगर जब उसके ऊपर फोर्स भी अप्लाई की जाए तो ऐसे पॉइंट उस पॉइंट के ऊपर बॉडी में जब फोर्स भी अप्लाई की जाए तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस ना हो, यानी उसमें रोटेशन प्रोड्यूस ना हो, टर्निंग इफेक्ट ना आए। इंस्टेंट एग्जाम्पल उसकी है, द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स विदाउट एनी रोटेशन। यानी उसकी एग्जाम्पल इस तरह से ली जा सकती है कि बॉडी के ऊपर अगर उस पर फोर्स भी अप्लाई की जाए तो जो नेट फोर्स की वजह से, उसमें लगाई जाने वाली नेट फोर्स की वजह से बॉडी में मूवमेंट तो आए लेकिन उसकी डायरेक्शन में कोई रोटेशन प्रोड्यूस ना हो। ठीक है, तो नेट फोर्स की सूरत डायरेक्शन में लगाई जाने वाली जो मूवमेंट है बॉडी की उसमें रोटेशन प्रोड्यूस ना हो। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ए एंड बी। दो पार्टिकल्स एज यू आर वॉचिंग इन द डायग्राम, ए एंड बी दो पार्टिकल्स हैं जो कि दोनों अनइक्वल मैसेस की हैं, जैसा कि आप देख सकते हो एक स्मॉलर मैस है एक लार्जर मैस है। ए एंड बी इनको एक लाइट रिजिड रॉड से कनेक्ट किया गया आपस में, तो इनका जो सेंटर ऑफ मैस है अनइक्वल मैसेस का वो ओ पॉइंट पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। लेट्स गो टू द पेज नंबर 94 फॉर फर्दर डिटेल्स। अच्छा, फर्स्ट करें कि लेट ओ इज़ अ पॉइंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सपोज कर लें कि ओ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर उसका ए और बी का बिटवीन ए और बी के दरमियान एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर फोर्स एफ अप्लाई की जा रही है पॉइंट ओ के ऊपर, जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हो। पॉइंट ओ पर एक फर्स्ट कर लिया पॉइंट है ओ ए और बी के दरमियान जहाँ पर एफ फोर्स अप्लाई की जा रही है।